प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, सबको जय मसीह की। जैसा आपने थंबनेल पर लिखा देखा है, परमेश्वर आपको इस वचन से आपके सभी सवालों के जवाब देंगे, क्योंकि इस वचन में, इस सर्मन में परमेश्वर ने अपने दास की बहुत अगुवाई की है। इसलिए इस वचन को अंत तक जरूर सुनना। मेरा विश्वास है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके सभी सवालों का जवाब देंगे, आपके रास्तों को खोलेंगे और आपको बहुत ब्लेस करेंगे। यीशु मसीह के नाम से आमेन। तो बैठ जाओ सब अपने स्थानों में और आत्मा में आज मेरे साथ खड़े रहना। बोलो क्या है? आत्मा में मेरे साथ खड़े रहना। वैसे मेरा मन था, क्योंकि मैं कभी भी 25 की और न्यू ईयर की मीटिंग कभी भी चेयर पर बैठ के प्रीच नहीं, मैंने आज तक नहीं किया इतने सालों में। पर ये बच्चों ने जो गिफ्ट दिया है, इसमें खुदा का अनुग्रह है। बोलो क्या? खुदा का, क्योंकि ये प्रेम से हुआ सब कुछ और मेरे लिए ये एक सरप्राइज है। क्या बोलो? मेरे लिए एक सरप्राइज है। अगर इसके पीछे कोई पिल्लो रखते हो तो मुझे थोड़ा और कंफर्टेबल होगा। हाँ, है कुछ, कोई छोटा, कोई पिल्लो वगैरह, कोई छोटा, कोई गद्दी वगैरह जैसी होती है तो मुझे थोड़ा और भी अच्छा फील होगा। फिर से थोड़ी और भी होती तो ठीक है अभी। हाँ, नहीं 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 ठीक है अभी। तो मेरी बात समझ आ रही है? इसलिए नहीं रखा, पर खुदावन के लिए अपने हृदयों को, मन को खोलो, क्योंकि हमें एक रोकने वाली आत्मा रोकती है। यहां पे कितने लोग बैठे हैं जिन्होंने अपनी गवाहियां दी कि हमारी बीमारी पे इतने पैसे खर्च हो गए, इतने हो गए, उतने हो गए। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? कितनों ने यहां गवाहियां दी कि हमारी बीमारी पे इतना 50-1 लाख, यो समझे, 2 लाख 3 लाख, उससे भी ऊपर। कितनी गवाहियां सुनी हमने? उसका असर मिलेगा कुछ? जो शैतान ने आपकी बीमारी में आपका पैसा खर्च कर दिया, वेस्ट कर दिया, पर जो खुदावंद के लिए खर्च करते हो, बाइबल में लिखा है उसका प्रतिफल मिलता है। पर कौन आपके मन को रोकता है? कौन रोकता है? कौन रोकता है? कौन आपके, जैसे उस बहन के मन में शैतान डाल रहा था, नहीं नहीं तूने किस्तें देनी है, नहीं नहीं अभी नहीं जाना, जबकि परमेश्वर सपने में बात कर रहा है, फिर भी अपनी बुद्धि में सपने में शैतान उसके कैसे बोल रहा है कि नहीं नहीं मैंने पापा जी किस्तें देनी है। पर एक महीने के बाद सोचा, नहीं, अगर खुदावंद ने मुझसे बात की है अपने दास के जरिए तो मैं इसकी इच्छा को पूरा करूंगी। मरमर के घिस घिस के जीना, इतनी मेहनत करना और फिर से नुकसान उठाना, खुदावंद से दूर होकर पैसे कमाते, 72,000 सोखा कमाना एक मेहनती के लिए, और खुदावंद ने ऐसे फ्री कर दिया। अच्छी बात है कि गलत है? अच्छी है कि बुरी है? फिर करना चाहिए कि नहीं चाहिए? उसकी मर्जी को पूरा करनी चाहिए कि नहीं चाहिए? आज भी देखो कितने लोग हैं, समझ आ रही है? आ 2024 की बोलो क्या है? ये पहली मीटिंग है, हफ्ते की पहली मीटिंग है, और वो भी प्रभु भूस ले रहे हैं। आपके परिवार में है तो उनको बताना, आपके पड़ोसी तो उनको बताना, आपके घर में विश्वासी हैं, विश्वास करने वाले अपनी फैमिली में, उनको बताना, जरूर बताना। नहीं तो एक दिन आएगा जीसस कहेगा मैं तुझे जानता नहीं है, लोग कहेंगे
मैंने प्रभु तेरे नाम से ये किया वो किया, मेरा घर बना, प्रार्थना की, मुझे स्कूटर मिला, मुझे कार मिली, मेरा ये हुआ, मुझे बच्चा मिला, मेरा ये काम हुआ, मेरा वो काम हुआ। वो कहेगा मैं नहीं तुम्हें जानता, क्योंकि तूने मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा नहीं किया। वो कहता मैं साफ इनकार कर दूंगा उस दिन। लोग कहेंगे प्रभु हमने तेरे नाम से वो मांगा, वो किया, ये किया, मेरा बच्चा नहीं था, मेरी इतनी बेटियां थी, मेरा एक भी बच्चा नहीं, तूने वो दिया वो दिया। कहता मैं उस दिन साफ इनकार कर दूंगा कि मैं तुम्हें जानता, मैं जानता नहीं हूं, क्योंकि तुमने मेरे स्वर्गीय पिता की मर्जी को पूरा नहीं किया। मैं उस दिन इनकार कर दूंगा। क्या फायदा? यीशु मसीह ने एक धनवान का दृष्टांत कहा, जिसने लिखा सारी उम्र धन इकट्ठा किया। बोलो क्या किया? और एक दिन उसने अपने मन में अपने प्राण को कहा तेरे पास बहुत कुछ है, खा पी और मौज मस्ती कर। और लिखा उसी दिन परमेश्वर के दूत आ गए और रात को उन्होंने कहा आकर तेरा प्राण आज लिया जाएगा। तो वो आदमी कहने लगा ये कैसी बात, मैंने तो सारी उम्र धन इकट्ठा किया, अभी तो मैं चैन से सुख से इसे खाऊंगा पीऊंगा मौज मस्ती करूंगा, क्योंकि वो अपने प्राण को कह रहा था अब तेरे पास बहुत है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? और उसी दिन दूत आ गए और उन्होंने कहा तेरा प्राण आज लिया जाएगा। वो कहता नहीं, ये कैसे हो सकता है, मैंने तो सारी उम्र धन इकट्ठा किया, अभी तो मैंने इसका मजा लेना है। वो कहते हमें ऊपर से क्या है मैसेज, ऊपर से हमें ये आया है। कहता फिर ऐसा करो आधा तुम ले लो आधा मेरे पास रहने दो, तुम भी मजे करो और हम भी मजे करें। क्या खुदावंद को पैसों के साथ कोई मना सकता है? तो दूतों ने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोलो क्या? स्वर्गदूतों ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, जो हमें आज्ञा मिली जिस काम के लिए आए हम वो तो करेंगे करेंगे। जब मनाया उस बंदे ने, जब नहीं माना, बोलो क्या? दो तीन बार मनाया कि आधे ले लो पैसे, हो सकता उसका करोड़ों का पैसा हो, अरबों रुपया उसने इकट्ठा किया। जब स्वर्गदूत नहीं माने तो उसने कहा ऐसा करो फिर तुम सारा धन रख लो पर मेरी मेरी जान को मेरे प्राण को बख्श दो। उन्होंने कहा फिर भी नहीं ऐसा हो सकता। बोलो क्या? फिर भी ऐसा नहीं हो सकता। एक गरीब अपनी गरीबी में हमेशा यह सोचता सारी उम्र वो गवा लेता है, और एक अमीर बंदा अपने बिजनेस को अपने कारोबार को बढ़ाने में इसी चक्कर में अपनी सारी उम्र गवा लेता है। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर आपको धनवान देखना नहीं चाहता, अमीर देखना नहीं चाहता। क्या सुलेमान अमीर नहीं था? दाऊद अमीर नहीं था? यूसुफ अमीर नहीं था? कितने बाइबल में कितने करेक्टर हैं जो कितने अमीर थे, कितना पैसा था, पर उन्होंने अपना जीवन किसके साथ गुजारा, किसकी इच्छा में गुजारा, किसकी आंखों को माना? दाऊद को देखो, दाऊद एक राजा था, लाखों की प्रजा, कितना बड़ा देश इज़राइल। बोलो क्या है? फिर भी लिखा वो परमेश्वर के साथ सात बार अध्ययन करता था। सात बार मतलब अध्ययन करना, जैसे दानियल प्रार्थना में तीन बार दिन में बैठता था। कितनी बार बैठता था दानियल? दिन में तीन बार प्रार्थना में बैठता था। इसलिए दानियल को, बोलो क्या है? दानियल को दारा राजा के उस समय परमेश्वर ने क्यों इतना ब्लेस किया, क्यों ब्लेस किया? वो तो एक आम सा था बंदा, वो भी जो यहूदी बुधवाई में पकड़े गए थे उनमें आए थे, वो शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल बुधवाई में। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? बस राजा ने देखा ये अच्छे बंदे हैं, बोलो क्या है, इसे अपने काम में रख लें। पहले नबूकदनेस्सर ने, उसके बाद दारा राजा ने। बोलो पहले किसने रखा उन्हें? नबूकदनेस्सर राजा ने। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं, वो तो हम करना नहीं ये काम। बोलो क्या है? पहले नबूकदनेस्सर राजा के द्वारा उनकी नियुक्ति कर्ण हुआ, क्योंकि नबूकदनेस्सर राजा ने कहा इन यहूदी लोगों में देखो जो हमारे काम के बंदे हैं
बदवाई में तो आई है, बदवाई मतलब समझे, क्योंकि हमने इस प्रजा को जीत लिया, क्योंकि नबूकदनेस्सर एक राजा था। बोलो क्या है? तो इनमें देखते हैं जो काम धंधे वाले लोग हैं हमारे राज्य के काम के लिए आएंगे, तो उनमें से उन्होंने नबूकदनेस्सर ने देखा, देखो को अच्छे नौजवान जो बुद्धि में अच्छी चीज में पढ़ने लिखने में अच्छे बुद्धिमान, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। तो उनमें शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल चारों आगे, और लिखा उन्हें और भी शास्त्र विद्या दी गई, फिर कहा इनको खाने पीने के लिए ऐसा भोजन दो और इतने समय तक, बोलो क्या, फिर मेरे सामने लेकर आना। क्या लेकर आना? बोलो क्या है? इतने दिन तक करो और फिर मेरे पास लेकर आना। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? चलो थोड़ा सा बाइबल से देखते हैं ताकि आपको समझ आए। निकालो पहला राजा, एक सेकंड, पहला नहीं है, नहीं ये तुम्हें दानियल की पुस्तक मिलेगा, दानियल की पुस्तक निकालो। हाँ तो उसका निकालो, एक अध्याय से पढ़ते हैं। तो एक की जल्दी से अगर कोई पढ़ सकता स्पीड से तो एक से पढ़ दो ताकि इस बात को हम समझ सकें, जल्दी से पढ़ो क्योंकि टाइम हमारे पास आज कम है। यहूदा के राजा यहोजाकीम के राज्य के तीसरे वर्ष में बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर चढ़ाई करके उसको घेर लिया। तब परमेश्वर ने यहूदा के राजा यहोजाकीम को परमेश्वर के भवन के कई पात्रों सहित उसके हाथ में कर दिए। उसने उन पात्रों को शिनार देश में अपने देवता के मंदिर में ले जाकर अपने देवता के भंडार में रख दिया। तब उस राजा ने अपने खोजे के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इजरायली राजपुत्रों और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कोई जवानों को ला जो निर्दोष सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि से प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान राज मंदिर में हाजिर रहने के योग हों और उन्हें कस्तियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा दी और उन्हें राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और खाने पीने के को दिया जाए। इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण तब उसके बाद राजा के सामने हाजिर किए जाए। कितने? 3 साल तक क्या किया जाए? पहले तो ऐसे इनमें से कुछ यहूदी लोगों को अलग करो। क्या करो? जो इन विद्वान पुरुषों अच्छी एजुकेशन अच्छा कुछ बुद्धि सुंदरता निर्दोष हो। कितने मेरी बात समझा? कई लोगों को मैंने देखा वो ध्यान नहीं देते, इसलिए जो लोग ध्यान नहीं ना देते देखना हमेशा उनकी लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। वो हमेशा रोते नजर आते हैं, कभी ये कभी वो कभी वो कभी ऐसा हो गया जी कभी वैसा, ये लफड़ा कभी वो लफड़ा, कभी ये पंगा कभी वो पंगा। उन्हीं के साथ ही यादें पंगे होंगे जो परमेश्वर के वचन के समय ध्यान नहीं देते। उनके जीवन में ज्यादा लफड़े खड़े होते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, और उनका सबसे ज्यादा नुकसान होता है जो खुदा के वचन से प्यार करते हैं।
क्योंकि परमेश्वर ने अपने नाम को प्यार करने के लिए नहीं कहा, उसने कहा जो मेरे वचन से प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने अपने बड़े नाम से ज्यादा महत्ता अपने वचन को दी। कुछ लोग ध्यान नहीं देते, क्योंकि जो कुछ होना है इस वचन से होना। आपको पता कितने लोगों ने इस फ्राइडे के दिन जो लाइव फ्राइडे हम मीटिंग करते हैं, कितनों ने सुनी, कितनों ने सुनी? ओ 30 इसलिए पॉलस कहता था तसलुकियों के कलीसी को, तुमने मेरा वचन नहीं किसका समझ कर लिया, इसलिए वो वचन तुम्हारे जीवन में प्रभावशील हुआ। तुमने मेरा नहीं, तुमने मनुख का समझ कर नहीं लिया, क्योंकि इसका वचन है। आपको पता परमेश्वर सारे काम, आज आपने सुबह भी गवाहियां सुनी ना, एक बहन की गवाही सुनी, नेगेटिविटी ने प्रभाव बना लिया और बीपी का ऐसा रोग दे दिया। खड़ा करो एक माइक से, मैं 2 मिनट में उनसे बात करना चाहता हूं। बेटी को भी खड़ा कर देना, क्योंकि जिस तरीके की गवाही थी ये बच्चे अच्छी तरीके से दे नहीं पाते कई बार, जो मेन पॉइंट होता है लोगों के उत्साह के लिए। अपने वीडियो क्लिप में देखा कि नेगेटिविटी ने जगह बना ली, किसी भी कारण बन गई, इनकी बच्ची कहां है? चलो वो बात डॉक्टर वाली बात तो नहीं बताई, इन्हें बताएं? नहीं बता। डॉक्टर कुछ अजीब बात बोल रहा था। क्या बोल रहा था? बड़ी नेगेटिव बात बोल रहा था। और मैंने इनकी बेटी को कहा ऐसा कुछ भी नहीं। बोलो क्या है? कह लो कि वो डरा रहा था। परमेश्वर ने तुम्हें क्या कहा? डरो के ना डरो, पर वो डॉक्टर डरा रहा था, क्योंकि इनका बीपी कितना हो जाता था? 200 से 200 से प्लस। नॉर्मल कितना होता है? 120। और वो अच्छा नहीं होता। बोलो क्या? वो अच्छा कुछ भी हो सकता। डॉक्टर डरा रहा था कि तुमने अच्छे डॉक्टर के पास लेकर नहीं जाते, हॉस्पिटल नहीं लेकर जाते, तुम नुकसान कर लोगे। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, बट डरना नहीं, कुछ नहीं होगा। तुम सुबह गवाहियां सुन रहे थे ना, और भी एक यहां पे बैठ जाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे। यहां पे एक छोटे बच्चे की गवाही दे रही थी, वो सिंपली दे दिया, वो कहां है? जल्दी से जाओ, स्पीड से रहो, टाइम नहीं है। ये आपका जो बच्चा था, कितने दिन तक ये बीमार रहा और सोता नहीं था रात? जय मसीह की। बाबा जी 2 हफ्ते तो सोंदा थे, क्योंकि इन्होंने 2 हफ्ते हो गए थे, ये पूरी रात भर रोता था और सोता नहीं था। हाँ जी बाबा जी। क्या हुआ था इसे? बाबा जी इन्हों नॉर्मल जे जुकाम ही होया ही थे, मतलब तो पिंडो ही दवाई लेगी डॉक्टर को थे। इसकी हालत, इसकी जो प्रॉब्लम थी वो बिगड़ गई ना। हाँ जी बाबा जी। 2 हफ्ते ये पूरी रात सोया नहीं और रोता रहता था। हाँ जी बाबा जी। अब बड़े तंग थे, परेशान थे। जी। मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो मैं इनसे पूछ रहा हूँ, इन्होंने गवाही में मेंशन नहीं किया इस रीति से। इन्होंने, मैं गवाही सुन रहा था, इन्होंने सिंपल बोला कि ये ठीक नहीं था, ये सोता नहीं था, पर ये 2 हफ्ते, बोलो क्या है? ये 2 हफ्ते तक किसी का बच्चा छोटा, 2 हफ्ते उसको, सब लेडीज को पता है ना, बच्चे हम जिनके बच्चे बड़े हो गए पता है ना कैसे बच्चे पालते हैं। हमारे भी बच्चे हैं, मेरे भी हुए, क्योंकि मेरा जो बड़ा बेटा, तब मैं नया नया आया था, उस जब वो पैदा हुआ तब बड़ी प्रॉब्लम हमें भी आई उसको पालने में, पर छोटे का नहीं हमें पता वो कैसे बड़ा पला हुआ। हाँ सारी रात वो सोया रहता आराम से, कोई कुछ नहीं, क्योंकि जब बड़ा हुआ तो तब हम नए नए प्रभु में आए थे, ज्यादा कुछ पता नहीं था क्या क्या परमेश्वर के साथ रहकर करना है, जिसे एक आरामदायी कम जीवन जीते। कितने मेरी बात समझ रहे? 2 हफ्ते पर कुछ ऐसी बातें थी जो मैंने समझाई उसमें, तो खाली प्रेयर का ज्यादा शो अप कर दिया ना कि प्रार्थना हुई तो ठीक हो गया, पर मैंने कुछ ऐसी
इन्हें बातें समझाइए जिससे अच्छा होगा। और मैंने कहा था इसे कि अपनी मम्मी को लेकर आओ, जब तक वो नहीं आएंगे तब तक ये बच्चा अच्छा नहीं होगा। अब जब मैं ज्यादा जाऊंगा तो फिर लंबा हो जाएगा, समझ लो, क्योंकि शरीर की कुछ चीजें उनको छोड़ना पड़ेगा फिर अच्छा होगा। कितने मेरी बात समझ रहे हैं, बैठ जाओ। ये मैं बात बीच में आपको गवाहियों की क्यों समझा रहा हूं, इसीलिए समझा रहा हूं। बोलो क्या है? इसलिए जो जहां पे वचन लिखा है, नबूकदनेस्सर ने जो कहा 3 साल तक इन्हें खवाओ, बोलो क्या है, और कस्तियों के शास्त्र की भाषा की शिक्षा दो, कस्तियों के, बोलो क्या है, वो तो जो इनके पास है, पर मेरे काम के लिए इन्हें कस्तियों के शास्त्र की भी शिक्षा दो, और 3 साल तक इन्हें खाने पीने खूब दो, दाक मधु दो, नॉन वेज दो, मीट मच्छी खूब इन्हें खिलाओ, और फिर मेरे पास लेकर आओ 3 वर्ष तक। इसको पूरा पढ़ना घर जाकर, 1, 2 अध्याय, 3 अध्याय, फिर आपको समझ आएगी कि दानियल के पद को कैसे परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर के राजा के समय ऊंचा किया। उसके बाद अगर हम आगे चले जाएं, बोलो क्या चले जाएं, एक सेकेंड, हाँ लोगों को कितनी क्या करता है। देखें ये इस देश के लोग तेरी कितनी मानते हैं, तू ऐसी विधि निकाल के 30 दिन तक तुझे छोड़ कोई भी अपने देवी देवता के आगे कोई उसके दंडवत नहीं करना, कोई उसकी पाठ पूजा नहीं करनी, तू ऐसी एक विधि निकाल, सिर्फ वो तेरे नाम ले, क्योंकि तू लोगों की कितनी मदद सहायता करता। एक साइन हो गए, हस्ताक्षर हो गए, साइन हो गए कि 30 दिन तक स्वाए दारा राजा के स्वाए जो कोई 30 दिन तक कोई अपने देवी देवती के उसके उसके नाम लेगा, उसे शेरों के आगे उसके माद में डाल दिया जाएगा। ये आज्ञा निकल गई और सब लोग डरते, डर के कारण कुछ नहीं कर रहे, कोई अपने देवी देवता को पुकार नहीं रहे, जिसकी भी वो पाठ पूजा करते थे। पर दानियल किस ईश्वर की, बोलो क्या है, दानियल किस परमेश्वर की उपासना करता था, किसकी आराधना करता था, वो फिर भी आ गया, वो औलाद आ गया, बच्चा बीमार हो गया, वो काम हो गया, आएंगे क्यों नहीं। चेक करो अपने आप को, क्या कर रहे हो, चेक करो अपने आप को। दाऊद एक भेड़ों और बकरियों को चराने वाला व्यक्ति था, गरीब, बोलो क्या था, पर एक दिन परमेश्वर ने उसे चुना, उसके मन को देखा, उसके दिल को देखा। परमेश्वर ने बेकार में नहीं चुना, इसलिए चुना है आपको, पर आप ध्यान नहीं दे रहे। जैसा ध्यान दानियल शद्रक मेशक अभेदनगो ने दाऊद ने दिया, बेकार में नहीं चुनता परमेश्वर किसको। दाऊद जब राजा बन गया, लिखा दिन में 7 बार अध्ययन करता था, 7 बार परमेश्वर के साथ बैठता था। वो कितना बिजी बंदा था। आज हम कहते हैं हमारे काम है जी, हम हमारे पास टाइम नहीं है, छुट्टी नहीं मिलती जी, वो है जी, वो आज सीजन चल रहा है जी, बाद में सीजन निकल जाएगा जी, आज मटरों का चल रहा है, मड़के वो चुने दा, फिर वो कनक का, फिर वो जी, फिर वो, यही तो दिन है कमाने के। एक दिन तुम्हारा दिन आएगा, तुम्हें पता भी नहीं लगेगा, क्या फायदा है, कोई फायदा मुझे बताओ। जिस परमेश्वर ने अपनी योजना में तुम्हें बड़ा पद ऊंचा करने के लिए इस दुनिया में बुलाया है, वो परमेश्वर की जो योजना अधूरी रह जाएगी, क्या फायदा है, कोई फायदा, मैं आपसे बात कर रहा हूं,
है कोई फायदा? बोलो, क्यों बुद्धि लगाते हो? इसलिए परमेश्वर ने क्यों कहा अपनी समझ का सहारा ना ले, मुझे याद करके अपने जीवन के काम कर। पहले परमेश्वर से तो पूछ लो, परमेश्वर आज संडे है, मैं काम पे जाऊं कि ना जाऊं? हाँ, परमेश्वर आज तेरे दास ने बोला था, तूने अपने दास के मुंह से बोला था कि ये ब्लेसिंग का मंथ है, इस मंथ में सारी मीटिंग्स अटेंड करो। अगर तूने बोला है, क्योंकि मेरा वचन नहीं है किसका होता है, तुम परमेश्वर का समझ कर लोगे तो देखना कितना फल लेकर आएगा। तुम मनुष्य का लेते हो, मेरा वचन नहीं है। कितने तैयार हैं? बैठ गए और आए और चले गए। आज आए भी कितने बजे होंगे? ठंड बड़ी है जी, ठंड बड़ी है। अपना कोई काम है, 7 बजे भी चले जाएंगे। जाते हो कि नहीं जाते? अपना काम है, सुबह धुंध में भी 7 बजे भी चले जाओगे। 7 बजे जहां कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई हमसे मिलने की, तुम रात 12 बजे भी कहोगे तुम तो भी आ जाओगे, दिन को तो छोड़ो। आज ही तुम 12 बजे आए हो कि ठंड बड़ी है। खुदा से प्रेम करो, जैसे उसने प्रेम किया तुम भी प्रेम करो। दाऊद को उसने क्यों कहा, तूने जो मुझसे स्नेह किया मैं तुझे छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थानों पर लेकर जाऊंगा, ऐसा ही लिखा ना। पढ़ो भजन संहिता 91। आपको पता चर्चों में 91 भजन संहिता को लोग जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो कहते हैं इसको पढ़ो तुम्हारा हालात चले जाएगा। तुम 100 बार पढ़ो नहीं जाएगा, पढ़ने से कुछ नहीं होगा, उस वचन को पूरा करने से काम होगा। जो लोग सोचते हैं ना 91 भजन संहिता पढ़ो, ऐसे लोग हमें भी मिले, कई चर्चों के लोग जिनके प्रॉब्लम थी, समस्या थी, हमने पूछा, उनका बेस चेक किया, वो कहते हैं हमने क्या, आप क्या करते हो, कैसे प्रार्थना करते हो, वचन पढ़ते? कहते हैं हम 91 भजन संहिता जबूर 91 पढ़ते हैं जी, पास्टर जी ने बताया आपके हालात सही हो जाएंगे। नहीं होंगे, ऐसे कैसे हो जाएंगे? तुम पढ़ने से, ये तो बड़ा सौखा काम है, पढ़ लो। मैं एक ही दिन में, अगर ऐसे ही सारा कुछ हो जाना तो मैं 2-4-5 दिन में सारी बाइबल पढ़ दूंगा, तो बाद में सारी उम्र ऐसा कोई विषय नहीं है। समझ आ रही है? पढ़ो इससे क्या लिखा है 91:14 में, कहता उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और ऊंचे स्थानों पर रखूंगा, क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया। कितने जान लिया है? अगर तुमने जान लिया है, पौलुस तो कहता कौन सी चीज है जो मुझके मुझे उसके प्रेम से अलग करे? कहता उपद्रव, संकट, महंगाई, नंगाई, जोखम, तलवार। आपके सिर के ऊपर कोई तलवार भी रख दे तो यीशु को क्यों मानता है? तेरे 2 टुकड़े कर देंगे। अगर तुम सच्चे मसीह हो, रियल क्रिश्चियन हो, सच्चे मसीह हो, तो तुम कहोगे कर दो। हाँ, जैसे शद्रक मेशक अभेदनो ने कहा डाल दो, राजा हम तेरी मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे, चाहे तुम हमें क्या डाल दे, हम ये पाप नहीं करेंगे। आज बिना कोई सिचुएशन नहीं, कोई हालात नहीं, फिर भी लोग पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? बाद में कहते हैं जी ये मुसीबत आ गई है। कहता तूने जो मुझे मेरे नाम को जान लिया, जब मैं मुझको पकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट के समय में उसकी सुनूंगा। किसकी सुनता है? जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जो उसकी आँखों में रहता है, उसकी इच्छा में चलता है। क्या चलता है? कहता जब वह मुझको पुकारेगा, कौन? जो मुझसे प्रेम करता है, तब मैं उसकी सुनूंगा और संकट के समय में उसको छुड़ाऊंगा, संकट के समय में उसके संग रहूंगा, मैं उसे बचाकर उसकी महिमा को बढ़ाऊंगा, मैं उसके दीर्घायु से तुत करूंगा और अपने किए उद्धार का दर्शन उसे दिखाऊंगा। वो दिखाएगा। इसलिए भजन संहिता 50:23 में दाऊद क्यों कहता, धन्यवाद के बलिदान के साथ उसकी महिमा कर, तो तुझे अपने चरित्र को उत्तम रख, अपने करैक्टर को साफ रख। क्या रख? अपने चरित्र को साफ रख, साफ। तुझ में कोई क्या ना पाया जाए,
दानियल के जीवन में कोई पाप नहीं पाया गया। दानियल कहता, राजा मैं तेरी आज्ञा में भी निर्दोष रहा और अपनी परमेश्वर की आज्ञा को भी मैंने पूरा किया। मैंने तेरी आज्ञा को भी पूरा किया और अपने पिता की भी, उस परमेश्वर की भी, इसलिए मैं दोनों चीजों में निर्दोष पाया गया हूं। इसलिए ऐसा ना हो कि वो दिन आए और तुम दोषी पाए जाओ। इस लिखांत के दिनों में वो भेड़ों को बकरियों से अलग करेगा। किन लोगों से? जो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, अपने काम तक सीमित हैं। इसलिए एक सॉन्ग गाती, तू चंगा कर, हाँ गाओ, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। आमेन। तू कर चाहे ना कर तो भी मेरा परमेश्वर। पर यहां पे ऐसे लोग आते हैं, हाँ जी हाँ काम नहीं होया, अही नहीं आना होना, प्रार्थना नहीं की तुम, अही बड़े तुम साड़ी सुनी नहीं है, अही बड़े तंग सी, अही नहीं आया करना जी, अही हूँ अपने बाबे ते जाने हैं। क्योंकि वो ही लोग हैं। दाऊद को परमेश्वर कहता, तूने जो मेरे नाम को जान लिया, बोलो क्या, मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। इसलिए दाऊद को परमेश्वर ने कितना ऊंचा कर दिया, एक आम से व्यक्ति को कितना ब्लेस कर दिया। पर यहां पे ऐसे लोग आते हैं, मेरा ये नहीं हुआ जी, वो नहीं हुआ, हाँ। इसलिए बाइबल कहती है कितने तो नाश होने वाले उस गंध के हैं और कितने जीवन की सुगंध के वारिस बनेंगे। लिखा, भला इन बातों के योग कौन है। कितने तो मृत्यु की गंध के वारिस बन जाएंगे नरक के, और कितने स्वर्ग के। और स्वर्ग के कौन बनेंगे? जो किसकी इच्छा में पूरा चल, जो हालात को नहीं रहे, दुख को नहीं देख रहे, ठंड को नहीं, मौसम को नहीं, किसकी इच्छा में चल रहे। इसलिए दाऊद को क्यों परमेश्वर ने इतना ब्लेस किया, क्यों ऊंचा किया? बोलो क्या है, क्यों किया? परमेश्वर की उस लड़के को जो एक दिन 5,000 की नौकरी, 6,000 की नौकरी करता, आज 35,000 कमा रहा है। परमेश्वर की योजना है इसको बुलाने की। एक दिन था, इसको पूछ लो, ये संसार के मेलाओं में जो मेले होते हैं ना, अलग अलग हर साल आते हैं, साल में अलग अलग मेले आते हैं बड़े। ये नया नया आया तो ये कहता नहीं, क्योंकि सालों से उसमें क्या था। तो हमने समझाया ये परमेश्वर का राज्य नहीं है, उसको समझ। तो कहता नहीं, मेरे दोस्त कहते हैं, मैं नहीं है। एक दो बार तो चला भी गया, बोलो क्या है, पर हमने टीच किया। तू ब्लेस होना चाहता है तो फिर किसके साथ जी? इसे समझ आई, हमने वचन से टीच किया, सिखाया। जब समझ आ गई तो इसने संसार की चीजें छोड़ दी, जो दुनिया करती उनको छोड़ दिया, आज आपके सामने। इसलिए खुदा ने मेरे मुंह से ऐसे ब्लेसिंग का वर्ड दे दिया। आज तो तेरी एक छोटी सी दुकान है, एक दिन बड़ा बड़ा शोरूम जैसे तेरा एक कॉस्मेटिक का स्टोर होगा। लोग तुझे, छोटी छोटी दुकानें वाले, तेरा होल सेल का काम होगा और छोटी छोटी दुकानें वाले तुझसे सामान लेने आया करेंगे हजारों का। खुश नहीं हो? उसकी बरकत से खुश नहीं हो? खुदा पक्षपात नहीं करता, वो इक्वल प्रेम करता है कि पक्षपात करता है? पक्षपात करता है कि इक्वल प्रेम करता है? बराबर प्रेम करता है कि एक को बढ़ाए और दूसरों को ना बढ़ाए। कहता है जितने जितने मतलब सारे मेरी आंखियों को मानेंगे, मुझसे प्रेम करेंगे, मेरे पीछे चलेंगे, उन्हें मैं ऊंचा करूंगा। आमेन। कितने चाहते हैं कि 2024 मेरे लिए बेस्ट हो,
गरीब व्यक्ति एक बेचारा अपनी गरीबी के कारण ही अपनी एक छोटी सी सोच में रहता है कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो गरीब हूं। पूरी बाइबल में पढ़ लो, कोई भी ऐसा बंदा नहीं जो अमीर हो जिसको परमेश्वर ने चुना हो। पूरी बाइबल पढ़ लो, देख लो तुम पढ़कर, हमेशा परमेश्वर ने छोटी जाति को, छोटे दर्जे के लोगों को, पढ़ो बाइबल अगर आप पढ़ते हो तो, सीखो नहीं तो कैसे पूछा कि? तुम चाहते हो वो भजन मुझे फिर से गाओ जो अभी प्रभु पोस में गा रहे थे, शैतान तुम्हें फंसा ना पाएगा, क्या वो शब्द था, मैं मुझे थोड़ी सी कम समझ आई। ये दुनिया नहीं, वहीं से गाओ बस, शैतान तुम्हें भरमाए ना जाना, तुम शैतान में कब किसको उसने कैद किया है। सुनो, तुम भरमाए ना जाना शैतान से कब उसने किसी को कैद किया है। ये बात क्या है, मुझे भी नहीं थोड़ी समझ आई, कब उसने किसी को कैद किया है। कैद किया मतलब परमेश्वर ने किसी को कैद किया, उसने स्वतंत्र किया, आजाद किया है ना, आजाद किया ना परमेश्वर ने। तुम किसमें भरमाए ना जाना, यहां पे कुछ ऐसी बातें लिखी हैं, आप रोमियो 12 अध्याय पढ़ना, वहां पे राज्य के प्रति कर्तव्य लिखे है। एक जगह लिखा अपने अघुओं के अधीन रहना, परमेश्वर के भी और अपने अघुओं के भी, उनका अनुकरण करना, उनकी भी रीस करना। एक जगह लिखा मैं भी शायद पत्रस की पुस्तक में, जो कुटल हैं, जो सकत स्वभाव के, उनके भी क्या रहना। ये किसका वचन है, क्योंकि जब आपके अंदर वचन होगा तो तुम भरमाई नहीं जाओगे, नहीं तो ऐसा होगा कि शैतान कोई दूसरे ट्रैक में आपको डाल देगा। क्या डाल देगा, दूसरे ट्रैक में डाल देगा, कहता भरमाई ना जाना, उसने कब किसी को कैद किया, हम किसकी सेवा करते हैं, मैं किसकी करता हूं, आप किसकी करते हो, जो बच्चे मेरे साथ हैं हम किसकी करते हैं, जिसने अपना जीवन देकर हमें जीवन दिया, जिसने अपना जीवन देकर हमें जीवन दिया। आगे थोड़ा सा बोलो, आशीष के लिए तुम बुलाए गए, आशीष ही सभी को दिया करो। आमेन। क्या दिया करो, आशीष के लिए बुलाए गए, पर कौन नहीं चाहता, कौन हमें बरमाता है। आपको पता उसने हवा को फंसा लिया, उसने सोचा मैं यीशु मसीह को भी फंसा लूंगा आराम से, क्योंकि जब वो हवा के पास आ रहा था तो उसे वो बोल रहा था, पर हवा ने उसकी, शैतान की एक बात नहीं सुनी, पर एक दिन उसने वचन से बात की कि वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम खाओगे निश्चय मर जाओगे। शैतान कहता उसके वचन में लिखा जिस दिन तुम फल खाओगे निश्चय ना मरोगे, उसने एक ही शब्द ऐड किया ना मरोगे, और हवा फंस गई। कौन फंस गई, क्योंकि जब उसने वचन की बात कही, हमेशा शैतान कई लोगों को वचन से फंसाता है, उसने सोचा मैं यीशु मसीह को भी फंसा लूंगा, उसने जितनी बातें यीशु मसीह से की उसने वचन से की, पर यीशु मसीह ने वचन से ही उसे आंसर दिया और लिखा शैतान छोड़कर चला गया। बोलो शैतान छोड़कर चला गया। क्यों, परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा ज्ञान ना होने से नाश हो रही। तुम अनपढ़ो, तुम गरीब हो, तुम कैसे भी क्यों नहीं हो, तुम्हारे पास कोई बुद्धि नहीं, क्यों परमेश्वर ने कहा जिसके पास बुद्धि नहीं वो मुझसे मांग ले, कहा है कि नहीं कहा, जो बिना उलाने देते, यहां पे ऐसे बैठे हैं बंदे जो बस बस आए और चले गए, जब वो भी मांगेंगे किसने का मांगोते,
मैं अभी तक आज तक बुद्धि मांगता हूं, मांगता मतलब वो जो हमारी प्रेयर है, पता है कि नहीं। यहां पे एक बहन है जहां पे बैठी होगी शायद आज, मैंने जब उनकी प्रॉब्लम थी तो मैंने कहा आपको पता हमारी मिनिस्ट्री की टीचिंग क्या है? हाँ जी बड़ा वधिया जी, बड़ा वधिया जी, हंस के नहीं, मैंने कहा हमने मिनिस्ट्री की टीचिंग क्या है? जितने लोग बात को पकड़ेंगे वही आगे जाएंगे और वही उत्तम जीवन जिएंगे। मैं ये बात क्यों कर रहा हूं, मैं भी बुद्धि मांगता हूं, वैसे नहीं जैसे लोग रोज मांगते, प्रभु कर, मैं मांगने के बाद धन्यवाद करता हूं, परमेश्वर तू मुझे अपनी बुद्धि से ब्लेस कर चुका है, क्या कर चुका है, मुझे दे चुका अपने कामों के लिए बुद्धि, धन्यवाद। मैं रोज धन्यवाद अपनी प्रार्थना में ही कहता हूं और ये भी कहता हूं मुझे परख और देख, अगर मुझ में कोई ऐसी पाप बुराई कोई ऐसी बात है तो परमेश्वर बिलाम के सामने तेरा दूत आ गया, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, तेरा स्वर्ग दूत आ जाए, मैं अगर मैं गलत चल रहा हूं वो मेरी ताड़ना करे ताकि मैं अपने टाइम को खराब ना करूं। कितने लोग चाहते हैं कि मेरा टाइम खराब ना हो, कितने लोग चाहते हो मेरा टाइम खराब ना हो, तो आज से परमेश्वर से ऐसे प्रार्थना करो मुझे परख मुझे देख, मुझ में कोई पाप बुराई कोई ऐसी बात कोई ऐसी आज्ञा तो नहीं जो तेरे में वचन के अनुसार नहीं माने। सबसे पहली तो तुम ये देखो जो खुदा का वचन कहता है, 6 दिन तुम अपने काम करो और 7वें दिन किसके घर में आओ, देखो चेक करो अपने आप को, क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा के वचन के अनुसार जिसने दुनिया को बनाया रचा, जो मेरी मां के गर्भ में मुझे रचने वाला वो परमेश्वर है, जो जीने के लिए मुझे रोज सांस दे रहा है वो कौन है? जिस दिन सांस निकल जाएगी क्या करोगे बताओ, मैं आपसे बात कर रहा हूं, क्या करोगे? ये बहन बैठी है, ये जब भी मैं इनके एरिया में जाता था तो इसके पति को मैं कहता था बिल्कुल जिनके घर में हम संगति करते इनका घर उनके घर से एक प्लाट छोड़कर ऐसे मकान है और हमेशा इनके पति नहीं आते थे, तो मैं स्पेशल इनके घर जाता था और कहता मैं गए तो हम भी आया करो, अब तो हम आपके घर के पास आए हंस के, हाँ कोई नहीं आवांगे। शैतान ने एक दिन बुरी तरह से जिम्मे कहते ना भंग दे पाड़े, एक तो वो लोग हैं जो प्रभु की इच्छा को पूरा करके इस दुनिया से जाते हैं उनके लिए स्वर्ग में मुकुट रखा है, पर एक वो लोग हैं जो बिना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से दुनिया से जाते हैं, एक तो वो लोग हैं जो परमेश्वर की इच्छा को पूरा करके इस दुनिया से जाते हैं, इसलिए वचन कहता है धन्य हैं वो लोग जो मसीह में मरते भी हैं, इसलिए पौलुस कहता मसीह में जीना तो लाभ है ही है, मरना भी क्या है, लाभ है। बोलो क्या है? ठीक है, दुख होता है जब कोई कोई किसी इस दुनिया से जाता है, देखो उसके आंसू आ रहे ना, पर वो आंसू बेकार हैं जो बिना परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने से एक व्यक्ति चला गया, अरे वो पूरी नरक उसके लिए शैतान ने तैयार करके रखा, और यही शैतान चाहता है कि परमेश्वर के लोग उसकी इच्छा को मर्जी को पूरा ना करें और नरक को हासिल करें। तुम सदा का जीवन है, ये पृथ्वी पर जीवन कुछ समय का है। दाऊद क्यों कहता परमेश्वर दुनिया में मैं 1000 दिन बताऊं और तेरे साथ 1 दिन बताऊं, 1000 दिन से 1 दिन उत्तम है। कितने मेरी बात समझ रहे हैं? क्या चाहते हो, क्या चाहते हो? मरना सबने एक दिन, मैंने भी मरना है, मेरा भी दिन आना है, सबका आना है, पर मैं उस खुदा की इच्छा को पूरा कर रहा हूं। वो पृथ्वी तो मुझे अजर देगा देगा, पतरस कहता है हे प्रभु मैं तेरी खातर तेरी सेवा के लिए तेरे कामों के लिए अपनी देख माता पिता बहन भाई बच्चों को छोड़कर पत्नी को छोड़कर आए, बता मुझे क्या मिलेगा? वो कहता मैं नहीं किसी को कहता, मेरे लिए ऐसा कोई करे कि अपने माता पिता बहन भाई बच्चों को पत्नी को छोड़े, पर जो मेरे लिए ऐसा करेगा इस समय मतलब इसी पृथ्वी पे वो 100 गुना, फिर उसके बाद वो अनंत जीवन पाएगा स्वर्ग में। क्या चाहते हो, क्या चाहते हो तुम?
तुम सोच भी नहीं सकते जो खुदा ने आपके लिए तैयार रखा है। मैं कहता हूं तुम सोच भी नहीं सकते जो खुदा ने आपके लिए तैयार रखा है, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। करके देखो, दाऊद कहता है तूने जो मुझसे स्नेह किया मैं तुझे चढ़ाऊंगा और ऊंचे स्थानों पर रखूंगा। हाँ, क्योंकि तूने जो मेरे नाम को जान लिया मैं तेरी महिमा को बढ़ाऊंगा। इसलिए दाऊद को कितना बढ़ाया परमेश्वर ने, इसलिए उसने 150 जबूर लिख दिए। 150, कितना उसका दिल था खुदा के साथ, कितना बिजी बंदा था। आज किसी को कोई काम मिल जाए ना, उसी में जुट जाता है। क्या फायदा ऐसे काम का भी, क्या फायदा। इसलिए एक जगह पे सुलेमान कहता, मैं इस वचन को जरूर पढ़ना चाहता हूं, आज मैं सुबह आया था ना, बोलो क्या है, आज मैं जब सुबह आया था, मैं जानता हूं कि टाइम हो रहा है। जब मैं सुबह आया था तो जरा भी मेरा मन नहीं था कि मैं कुछ आज बोल पाऊंगा। मुझे लग रहा था कि आज मैं 2-4 बातें करूंगा और बस फिर मैं कहूंगा ओके जी परमेश्वर तनु 2024। सुबह सुबह कुछ ऐसी कुछ सुजेशन ऐसी आ गई, बड़ी आगे चीजें पीछे होगी। आज सुबह तो शैतान मेरा मन खराब कर रहा था कि 2024 की ये पहली मीटिंग है। बोलो क्या है, क्योंकि संसार में लोग कहते हैं ना, जैसे पहला हफ्ता पहला दिन कुछ ऐसा हो तो पूरा साल फिर ऐसा होता है। पर मैं परमेश्वर से बोल रहा था कि नहीं परमेश्वर, ऐसे कैसे होगा। बोलो क्या है, मैं तो तेरे साथ वफादारी से चल रहा हूं, मैं तो पूरी सच्चे मन से तेरी सेवा कर रहा हूं, पर ये क्यों हो रहा है मुझे नहीं पता परमेश्वर, तू कर सकता है। बोलो क्या है, मेरा मन आज कुछ चीजों से उदास था और मुझे लग रहा था, क्योंकि आपको नहीं पता, मेरे साथ जो मेरे सहकर्मी उन्हें पता इस बात का, समझ आ रही मेरी। और थोड़ा बात आप में से भी मुझे थोड़ी निराशा आई कि आज 2024 की मीटिंग है। बोलो क्या है, सुबह के 11 बज गए और कुछ भी कोई भी लोग नहीं थे। मैं देख रहा था लाइव, नहीं कहां है, 11:20 में तो मीटिंग ही शुरू हुई। मैं भी 12 बज गए और 12:15 कोई भी लोग नहीं थे। सारे 12 के बाद 12:30 बजे। हम फल चाहते हैं पर मेहनत कोई नहीं करना चाहता। बोलो कहें, अपने काम तो 7 बजे। एक निराशा आपसे आई, एक निराशा कुछ और चीज से आई और मन में आया कि चलो आज थोड़ा बहुत बोलेंगे और आमीन बोलेंगे, ऐसा हो गया। पर जब मैं यहां पे आया तो मैं मांगने लगा, नहीं परमेश्वर तेरे लोग हैं। आपको बताओ, न्यायियों की पुस्तक पढ़ना, न्यायियों की, उसमें देखना परमेश्वर कितना दयावान है। इजरायली कितनी गलतियां कर रहे थे और परमेश्वर माफ कर रहा था। बोलो क्या है, फिर से एक न्याय मर जाता दूसरा खड़ा करता है, फिर से वो बदवाई में चले जाते थे, फिर परमेश्वर एक न्याय खड़ा करता था, फिर से उन्हें बचाता था, उनके हाथ से छुड़ाता था। वचन नहीं है ना आपके, जब वचन होगा फिर आपके मन नॉर्मल नहीं रहेंगे। चलो इस वचन को पढ़ते हैं लास्ट, ये नीति वचन कहता 30:7 कहता, मैंने तुझसे 2 बार मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख। मुझे ना तो निर्धन कर ना धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं यहोवा कौन है, जहां अपना बाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। इतने मेरी बात समझे, मैं फिर से पढ़ता हूं, ध्यान से सुनना। कहता मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़, अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख।
मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। निर्धन का मतलब होता है ना तो मुझे इतना गरीब कर दे, क्या ना कर दे, मुझे इतना गरीब ना कर दे और ना मुझे इतना अमीर करे, मुझे प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं यहोवा कौन है। मैं तो जैसे नबूकदनेस्सर को परमेश्वर ने एक समय, चाहे वो अपनी देवी देवते को मानने वाला था, फिर भी परमेश्वर ने एक दिन उसके पद को ऊंचा किया, पर वो फूल गया और आकाशवाणी हुई, सब कुछ खत्म हुआ। समझ आ रही है? कहता है ऐसा ना मैं अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं, कि मैं इतना गरीब हो जाऊं, मैं इतना अमीर हो जाऊं कि मैं उसका इनकार करूं, कि मैं सोचूं मेरे बलबूते सब कुछ है, जो कुछ भी मेरे पास है, जहां भी जो मेरे साथ हैं, जहां आप हो, जिसको भी परमेश्वर ने ब्लेस किया है, ऊंचा किया है, उसके काम को बढ़ाया, उसे बुद्धि दी, समझ दी, ये सब कुछ परमेश्वर का है। और वचन कहता है उसके भले कामों में लगाओ। और ये किसी इंसान के लिए नहीं, किसके लिए लगाओ? और दिल से, वचन कहता है जो कुछ भी करते हो तन मन से करो। आए भी हम, किराया भी खर्चा, जहां से भी आए टाइम भी उतना ही लगा। ऐसा नहीं लेट आए तो जो डेढ़ घंटे का सफर है वो आधे घंटे में हो गया, जब दो घंटे का सफर पौने घंटे में हो गया। हाँ, जहां पे 100 रुपया किराया लगता वो 50 रुपए में गुजारा हो गया, उतना ही हुआ ना सारा कुछ। तो फायदा हुआ कोई? बोलो फायदा हुआ कोई? मैं आपसे बात कर रहा हूं, फायदा हुआ कोई?